सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को तबादले के मामले में अवमानना का दोषी मानते हुए दिन भर कोर्ट रूम में रहने की सजा सुनाई और 1,00,000 का जुर्माना भी किया। और यही है हमारा आज का केस ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरिन पांड्या की हत्या के मामले की अदालत की निगरानी में नए सिरे से जांच कराने संबंधी जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शांति भूषण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बहस पूरी हो जाने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान शांति भूषण ने दलील दी कि हत्या के मामले में हाल में कई नए तथ्य सामने आए हैं जिनकी नए सिरे से जांच किए जाने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता एनजीओ राजनीतिक बदले के लिए जनहित याचिका अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग कर रहा है। गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री रहे हरिन पांड्या की 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में लॉ गार्डन इलाके में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो सुबह की सैर कर रहे थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरिन पांड्या हत्या मामले में नई जांच के लिए दायर याचिका पर 11 फरवरी को सुनवाई करने को कहा था। कुछ नए तथ्य सामने आने के बाद एक एनजीओ ने इस मामले की दोबारा जांच की गुहार लगाई। न्यायमूर्ति AK सीकरी और न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा था कि इस मामले में अन्य पीठ में पहले से ही अपील पर सुनवाई चल रही है। पीठ ने कहा कि यह उचित होगा कि वो पीठ उस इस याचिका की भी सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कथित फर्जी मुठभेड़ से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। कोर्ट ने एक एनजीओ को पीड़ित परिवार की ओर से दी गई शिकायतों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने दाखिल करने को कहा। इस याचिका में यूपी की योगी सरकार में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं जिसके बाद एक एनजीओ ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार को नोटिस जारी किया था। इस याचिका में मांग की गई है कि राज्य में हुई पुलिस मुठभेड़ की सीबीआई या SIT से जांच कराई जाए और इसकी निगरानी कोर्ट करे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि ये बहुत गंभीर मामला है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी। यूपी पुलिस की ओर से किए गए मुठभेड़ पर मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस जारी कर योगी सरकार से जवाब मांगा था। यूपी पुलिस के एक आंकड़े के मुताबिक 2018 तक प्रदेश में पुलिस ने 1,038 मुठभेड़ हुई। इसमें 32 बदमाश मारे गए और याचिका में कहा गया कि राज्य की सरकार आतंकवाद या बड़े अपराधियों से लड़ने के लिए संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ ऐसे साधनों को अपना नहीं सकती। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और मांग की है कि अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई टाल दी जाए। जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसके चलते अनुच्छेद की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसकी सुनवाई स्थगित करने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ से याचिका दायर की गई है। पिछले साल अगस्त महीने में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका की सुनवाई अगले साल ही होगी। अब जम्मू कश्मीर की तरफ से मांग की जा रही है कि सुनवाई की तारीख को और आगे बढ़ाया जाए। पिछले साल सुनवाई टाले जाने के कारण राज्य ने राज्य के निकाय चुनाव थे। अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में आर्टिकल 35A पर कोई भी कदम राज्य का माहौल बिगाड़ सकता है। आम्रपाली समूह की ओर से घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से कहा है कि वो आम्रपाली के उन मकानों को बेचे जो बन चुके हैं। NBCC ने आम्रपाली के कैसल्स और ईडन पार्क परियोजना में काम शुरू कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने समूह के 5 सितारा होटल सहित 2 प्रमुख संपत्तियों की नीलामी में बोलीदाता नहीं मिलने पर कड़ी टिप्पणी की। आम्रपाली समूह के 5 सितारा होटल सहित 2 प्रमुख संपत्तियों की नीलामी में बोलीदाता नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मिलीभगत की आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि इस मामले में गुटबंदी हुई है। उसने ये भी पता लगाने के लिए कहा कि क्या बैंक भी इस गुटबंदी में शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि ये चौंकाने और परेशान करने वाला है कि बैंकर संपत्तियों में पूंजी लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बैंक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी NBCC के परियोजनाओं में पूंजी लगाने को तैयार हैं, पर डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT की ओर से बेची जा रही आम्रपाली की संपत्तियों के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले संपत्तियों के मूल्यांकन की चिंता थी, लेकिन 31 जनवरी को ही नीलामी ज्यादा चौंकाने वाली रही। ऐसा लगता है कि ये संपत्ति को न बेचने देने की एक सुनियोजित कोशिश है। इसमें अदृश्य लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट की ओर से नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर ने बताया कि
कि उन्होंने 5,229 न बिकने वाले फ्लैटों को चिन्हित किया है, जिन्हें बेचकर करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। आम्रपाली समूह की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 3,200 करोड़, नोएडा प्राधिकरण पर 1,900 करोड़ और देनदारी लगभग 2,000 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से कहा है कि वो सबसे पहले आम्रपाली के कैसल्स और एडन पार्क प्रोजेक्ट में वो अपार्टमेंट बेचे जो नहीं बिके हैं। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए विज्ञापन निकालिए और 3-4 महीने में बाकी तैयार कर दीजिए। NBCC ने कोर्ट को बताया कि 2 प्रोजेक्टों कैसल्स और एडन पार्क में काम शुरू कर दिया है। वहीं JP Morgan ने कोर्ट को बताया कि 85 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आम्रपाली JDF के पास ट्रांसफर करवाए हैं। फेमा नियमों की वजह से हमने सीधे आम्रपाली को रकम ट्रांसफर नहीं की। इस पर जस्टिस UU ललित ने कहा, पेशेंट मरने के कगार पर हो तो उसके लिए सब कुछ छीनने की कोशिश ना करें। कोर्ट ने कहा, आपने तो बहुत कुछ हजम कर रखा है। इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा। JP Morgan से कोर्ट ने कहा कि आपके हिसाब से 140 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड कोई ठोस तौर तरीका नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है। आपने रुद्राक्ष और नीलकंठ में निवेश किया, उसमें कई खामियां हैं। आपने चपरासी तक के नाम पर निवेश किया है, आप अब फंस चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई आगामी 14 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AP। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी और अन्य को जारी अवमानना नोटिस पर सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया की उस याचिका पर से नोटिस जारी किए थे जिसमें उन पर 550 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ के सामने अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड चेयरमैन और सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया विरानी उपस्थित हुए। इन सभी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा कि समय की कमी और भोजन अवकाश के बाद विशेष पीठ के बैठने की वजह से अवमानना याचिका के इस मामले में कल सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एरिक्सन इंडिया की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के 2 आदेशों का घोर उल्लंघन किया गया है और आरकॉम ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। पीठ ने तीनों कथित अवमाननाकर्ताओं को कल भी कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI की एक याचिका पर विवादित 5 निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी को नोटिस जारी किया। CBI की याचिका में मांग की गई है कि विदेश जाने के लिए कुरैशी की ओर से दी जाने वाली जमानत राशि बढ़ाई जाए। CBI ने अपनी अर्जी में मांग की है कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के केस में आरोपी कुरैशी से ली जाने वाली जमानती राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दी जाए। हाल में एक निचली अदालत ने कुरैशी को खाद्य महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए 15 से 23 फरवरी तक UAE और अपने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए 6 से 20 मार्च तक पाकिस्तान जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कुरैशी को निर्देश दिया था कि वो बैंक गारंटी के तौर पर अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए की जमानत राशि जमा करे। कोर्ट ने कुरैशी को चेतावनी दी थी कि अगर किसी शर्त का उल्लंघन किया तो जमानती राशि जब्त कर ली जाएगी। CBI ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि जमानती राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए इसलिए कर दी जाए क्योंकि एक सह आरोपी को जब निचली अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दी तो उससे बैंक गारंटी के तौर पर 6 करोड़ रुपए लिए गए थे। हाल ही में शुरू की गई दिल्ली सरकार की बाइक एम्बुलेंस के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज यानी कैट्स को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने पूछा कि कैट्स जैसी सुविधा होने के बावजूद बाइक एम्बुलेंस को दिल्ली में क्यों शुरू किया गया। कोर्ट ने पूछा कि इस स्कीम को चलाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, इसको शुरू करने की जरूरत क्या थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। जनहित याचिका में कहा गया है कि बाइक एम्बुलेंस को चलाने वाले लोग योग्य नहीं हैं, ऐसे इमरजेंसी सर्विस को इस्तेमाल करने वाले मरीज के लिए ये घातक है। याचिका में कहा गया कि असिस्टेंट एम्बुलेंस ऑफिसर को ही बाइक एम्बुलेंस चलाने को कहा गया है जबकि उनके पास ना कोई डिग्री है ना ही एक्सीडेंट के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर कोई ट्रेनिंग दी गई है। याचिका में कहा गया कि असिस्टेंट एम्बुलेंस ऑफिसर सिर्फ ग्रेजुएट है और उनको सिर्फ कैट्स में फोन रिसीव करने के लिए रखा गया था। पटेला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले मामले में बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सुनवाई की और उसे इटालियन वकील से मिलने की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने वकील रोजमेरी को मिशेल से मिलने की इजाजत दे दी लेकिन इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मिशेल से रोजमेरी के वकील की तरह नहीं बल्कि सामान्य मिलने वालों के तौर पर इजाजत दी गई है। तिहाड़ जेल में मिशेल से उनकी मुलाकात केवल 30 मिनट तक हो सकती है जबकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और CBI ने अपने जवाब दाखिल किए और दोनों एजेंसियों ने
मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया। इन एजेंसियों ने कहा कि याचिका खारिज की जानी चाहिए। इस मामले में अब सुनवाई 13 फरवरी को होगी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिया मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। वहीं अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ही आरोपी राजीव सक्सेना को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब बात केस ऑफ द डे की। सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगाया। बिना इजाजत मुजफ्फरपुर आश्रय गृह के जांच अधिकारी का तबादला करने के नागेश्वर राव के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना माना है और नागेश्वर राव को कोर्ट के उठने तक अदालत कक्ष में ही मौजूद रहने की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी ठुका। नागेश्वर राव मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश किसी भी नौकरशाह या जनसेवक के लिए नजीर के तौर पर काम करेगा। ये शायद पहला मौका है जब सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के किसी वरिष्ठ अधिकारी को अवमानना के मामले में सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने तक कोर्ट रूम में ही मौजूद रहने की सजा सुनाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी ठोंका। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका आश्रय गृह में यौन शोषण के मामले में जांच अधिकारी का तबादला किए जाने पर सुनाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि उसकी मंजूरी के बिना जांच अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। लेकिन 17 जनवरी को दोबारा सीबीआई के अंतरिम निदेशक का कामकाज संभालने के बाद नागेश्वर राव ने जाँच अधिकारी AK शर्मा का तबादला कर दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने ट्रांसफर से पहले इजाजत क्यों नहीं ली। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सवाल किया कि सीबीआई का एक अंतरिम निदेशक अगर इतने सारे ट्रांसफर नहीं करता तो क्या आसमान गिर जाता। जस्टिस गोगोई ने नागेश्वर राव और अभियोजन निदेशक से कहा कि अदालत के कोने में चले जाएं और कार्यवाही खत्म होने तक वहां बैठे रहें। यह उनके करियर पर एक निशान हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राव और सीबीआई के विधि अधिकारी ने अदालत की अवमानना की। न्यायालय ने कहा कि उनका रवैया कुछ ऐसा रहा है कि मुझे जो करना था वो मैंने किया। सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने माना कि ये गलतियों की श्रृंखला थी। वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है और उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं की। वेणुगोपाल ने दलील दी कि राव का 30 साल का बेदाग करियर है और वो अपनी गलती के लिए माफी मांग चुके हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो राव के माफीनामे को अस्वीकार करते हैं। नागेश्वर राव ने सोमवार को हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। हलफनामे में नागेश्वर राव ने कहा था कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। बिना शर्त माफी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन करने पर 7 फरवरी को सीबीआई को फटकार लगाई थी और राव को 12 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट AP। और हमारे सहयोगी सुमित सक्सेना इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, माना जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितनी सख्ती दिखाई गई है ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि कोई भी अधिकारी अवमानना ना कर सके कोर्ट की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये संदेश नहीं बहुत ही कड़ा संदेश एक तरीके से दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज सवेरे से ही सुप्रीम कोर्ट में इतनी भीड़ थी कि ऐसा मालूम पड़ रहा था कि हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है कोर्ट रूम में, और वो ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अगर CJI का जो मिजाज था बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा था बहुत गुस्से में है कि उनके कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी अब अवमानना करी गई है, उसका पालन नहीं किया गया। और ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को बहुत ही क्या कहते हैं हल्के में लिया गया, ऐसा ये जानबूझ के ऐसा लगा CJI को कि जानबूझ के उनके ऑर्डर की मानना करी गई है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सुमित। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के 68,500 शिक्षक भर्ती मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ऐसी कोई वजह या सामग्री नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से सीबीआई से जांच करवाई जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में एकल पीठ का सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना सही नहीं है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा था कि मामले में ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं था जिसकी वजह से मामला जांच के लिए सीबीआई को दिया जाए।
राज्य सरकार की ओर से 1 नवंबर को एकलपीठ के सीबीआई जांच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने इस मामले में जांच करवाई थी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील को अंतिम रूप से स्वीकार करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने करीब 500 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में याचिकाकर्ता को सरकार के दाखिल जवाब पर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित करते हुए सरकार से भी पूछा है कि क्यों न इस घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगराम की जनहित याचिका पर यह सुनवाई हुई और इस दौरान सरकार की ओर से करीब 100 पेज का जवाब दाखिल किया गया। इसमें एसआईटी की ओर से अब तक की गई जाँच का ब्यौरा भी दिया गया है। सूत्र के अनुसार सरकार ने दाखिल जवाब में संकेत दिए हैं कि घोटाले के तार 6 राज्यों तक फैले हैं और इस कोर्ट ने बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि क्यों न घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। याचिका में कहा गया था कि समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति बांटने में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। शिकायत के बाद विभाग ने जाँच की तो विभाग ने घोटाला होने से इनकार किया, जबकि शासन स्तर से हुई जाँच में बड़े घोटाले का अंदेशा जताया गया। इसी के बाद घोटाले की एसआईटी जाँच का निर्णय लिया गया। झारखंड के बोकारो रेलवे स्टेशन पर सुविधा के नाम पर जल्द ही एक और सौगात मिलने जा रही है। बोकारो स्टेशन पर रेल कोर्ट खुलेगा, इसके लिए विभाग से अनुमति भी मिल चुकी है। रांची हाई कोर्ट के आदेश के बाद से रेलवे कोर्ट खोलने की प्रक्रिया और तेज हो गई है और इसके लिए रेलवे प्रशासन ने अधिकारियों के साथ जगह खोजना शुरू कर दिया। रेलवे कोर्ट खोलने की मांग बोकारो स्टेशन पर कई वर्षों से हो रही है। बोकारो स्टेशन पर रोजाना 70 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन होता है, रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। रेलवे कोर्ट नहीं होने से मामूली विवाद के निपटारे में भी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोकारो रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों से रेल अधिनियम में पकड़े जाने पर मामले का निपटारा करने के लिए आरपीएफ धनबाद रेल कोर्ट और जीआरपी के तहत रांची जाना पड़ता है। बोकारो में रेल कोर्ट खुलने से धनबाद पर निर्भरता खत्म होगी। कोर्ट राउंडअप में इतना ही, बने रहे हैं पीएन के साथ।